सामान साथ में मिलाकर क्यों लाता है? सीधा ऐसा ही मिलता है, दाल भात साग सब्जी सब कुछ एक साथ। पकाने के लिए एक लोटा पानी भी डलवा देता। ये ले। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी डूम का चोला पहना था। ये राजा हरिश्चंद्र अपने संकल्प से कभी मुकर नहीं सकता। कमल, कमल! आप दोनों ने तो बहुत जिंदगियां बचाई, फिर मेरे बच्चे की जिंदगी के आगे कैसे आ पाऊंगा? भगवान कैसा कलंक लगा दिया कमल के लिए। बुरा नहीं हूँ मैं। पंडित जी कह रहे थे शरीर शुद्धि और जान जितनी जल्दी हो सके करवाना। वो ख्याल भी तो तुझे छुआ था, अगर वो मर गया तो से ना सिर्फ शरीर अपवित्र होता है बल्कि जान भी चली जाती है। मैं अछूत हूं, घृणित हूं, ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे छूने से बच्चा मर जाएगा। मैंने इसे छू लिया, अगर मैं मर गया तो ये गुनहगार, अगर मैं बच गया तो ये बेकसूर। करते हैं वो भावुक नहीं होते। ले जा अपनी लकड़ियां, तेरे परिवार की चिता के काम आएंगी। मेरे बच्चे पेड़ की चढ़े और छिलके खाकर जी रहे हैं। मेरे घर में न दिया जलता है न चूल्हा। जब यहां सदगति के लिए आते हैं तब इन्हें छूत का भय नहीं होता, और जब मैं इनकी बस्तियों में सीधा लेने जाता हूं तो इन्हें मेरी परछाइयों से भी भय होता है। सदियों से हम दलित अछूत की जिंदगी जीते रहे, अब साहस नहीं रहा। अब अगर तू चाहता है हम इस धरती पर रहें तो तू मुझे अपनी तरह देवता बना, या खुद तू हरी से हरिया बनकर दिखा, तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी देना आसान है या जिंदगी को जीना।